नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट द फैक्ट कि हमारे देश के जो बॉलीवुड के लोग हैं वो कोरोना वायरस पैंडेमिक में भी सेक्युलरिज्म का नकाब पहनने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, हम सबको पता है कि तबलीगी जमात का जितना भी इवेंट, जितने भी लोगों ने अटेंड किया था, वो सब लोग कोरोना वायरस के कैरियर्स बन चुके हैं। ये जो तबलीगी जमात के अंदर इस्लामिक प्रीचर्स थे, वो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन जगहों से आए थे जहाँ से आना भारत के अंदर आसान है, सो दैट वो कोरोना जिहाद कर सके। अब तबलीगी जमात के मैक्सिमम केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र, मगर महाराष्ट्र के सीएम सेक्युलरिज्म का भाषण दे रहे हैं। पहले तो वो कहते हैं कि सारे भी अटेंडीज जिन्होंने तबलीगी जमात अटेंड किया था वो सब ट्रेस हो गए हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद मुंबई पुलिस ट्वीट करता है कि जितने भी लोगों ने तबलीगी जमात इवेंट अटेंड किया है वो सब अपने आप को खुद आके सेल्फ रिकग्नाइज कराए पुलिस के सामने, सो दैट दे कैन बी चेक्ड। ये होता है जब सीएम ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सेक्युलरिज्म है हमारे प्रदेश के अंदर और आप जानबूझ के गलत और फेक वीडियोस फैलाइए मत कम्युनलिज्म फैलाने के लिए, जबकि हम सबको पता है कि एक पर्टिकुलर कौम जानबूझ के, जो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई है, वो जानबूझ के कोरोना वायरस द्वारा नोटों को फेंक रही है जिसके ऊपर वो थूकते हैं, गाड़ियों से वो थूक रहे हैं, अपनी यूरिन बॉटल्स में भरकर रोडों पर फेंक रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रही, ये सब हमारे भारत के न्यूज चैनल्स कह रहे हैं, मगर द सीएम ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे एंड हिज सन आदित्य ठाकरे वांटेड टू बी इन गुड बुक्स ऑफ द बॉलीवुड सो कॉल्ड लिबरल्स। जी हाँ, सोनम कपूर ने उनकी प्रशंसा की है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल है उनका। सोनम कपूर ने प्रशंसा की है, जावेद अख्तर ने प्रशंसा की है, स्वरा भास्कर ने प्रशंसा की है, एंड ऑल दोज यू नो पैराफनेलियाज बी सी ग्रेड वाले जितने भी लिबरल्स हैं जो बॉलीवुड में काम की तलाश में है फंडिंग द्वारा, वो सब उद्धव ठाकरे के गुण गा रहे हैं। मगर उद्धव ठाकरे को ये नहीं पता कि महाराष्ट्र हैज रिपोर्टेड द मैक्सिमम डेथ एज कंपेयर्ड इवन टू यूपी, क्योंकि यूपी के सीएम के बारे में सब निंदा बहुत करते हैं, स्पेशली बॉलीवुड वाले। तो ये जो उद्धव ठाकरे की थॉट प्रोसेस है सेक्युलरिज्म फैलाने की इवन इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आई फील न्यूज आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि स्टेज थ्री शायद पहुंचने वाला है महाराष्ट्र के अंदर इफ प्रॉपर लॉकडाउन इज नॉट एग्जीक्यूटेड इन महाराष्ट्र। मगर महाराष्ट्र के सीएम ऑब्वियसली किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आई थिंक जब तक द डेथ टोल्स डोंट रीच एन अलार्मिंग फिगर, तो ये दिखाता है कि वो ऑब्वियसली सिर्फ बॉलीवुड को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। वहां पर मैंने दूसरी ओर देखा कि बाबा दीवान द DHL वाले लोग ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थ्रू कोई कागज लेके हॉलीडे पे जा रहे थे टू विजिट सम हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, और ये इसलिए हो रहा था शायद उनके यहाँ क्योंकि उनके यहाँ कोई फैमिली इमरजेंसी थी। मगर फैमिली इमरजेंसी में पूरा 2025 का फैमिली एक बॉम्बे छोड़कर हिल स्टेशन जा रहा था, और ये न्यूज भी हमारे भारत के न्यूज चैनल ने कवर करी है। तो कोरोना वायरस को बहुत लाइटली लिया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और ये सब किया जा रहा है उद्धव ठाकरे जी के कहने पर शायद क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का नकाब पहनना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत के अंदर तबलीगी जमात ही कोरोना वायरस को फैला रही है, जो ऑब्वियसली रुक सकता था अगर हमने इसके पहले तबलीगी जमात वालों को पकड़ लिया नहीं होता। तो ये तबलीगी जमात वालों के रिलीजन पे हम नहीं जाए, हम ऑब्वियसली माइनॉरिटी अपीजमेंट करें, जबकि माइनॉरिटी खुलेआम भारत के अंदर एक पैंडेमिक फैलाए, इसके बावजूद उद्धव ठाकरे जी की आंख के ऊपर पर्दा लग गया है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस मच दैट उद्धव ठाकरे जी और योगी आदित्यनाथ जी में मैं एज अ भारतीय नागरिक योगी आदित्यनाथ जी को चूज करूंगी एज द बेस्ट सीएम ऑफ इंडिया, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने प्रदेश के अंदर इस पैंडेमिक को रोकने के लिए सख्त से सख्त रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सिचुएशन हाथ से चली जाए तब रोने का क्या फ़ायदा। जब आपके पास मौका है सिचुएशन को कंट्रोल करने का, लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स ऑफ इटली एंड स्पेन, देन दैट इज़ द टाइम दैट यू एक्चुअली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। मगर ऑब्वियसली उद्धव ठाकरे इज बिजी प्लीजिंग द सोनम कपूर टाइप्स। जब सोनम कपूर की बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं पड़ता कि उनके ही घर के अंदर उनके फादर बीजेपी की इतनी लॉयल बातें करते हैं, मगर सोनम कपूर बीजेपी के खिलाफ इतना ज़्यादा बोलती है। तो दोनों बाप बेटी तो कितने बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स आई फील इन द इंडस्ट्री, मोर बिगर प्लेयर्स देन अक्षय एंड ट्विंकल और अमिताभ एंड जया जी, बिकॉज दे आर तो सिंपल पीपल, दे माइट बी हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बॉलीवुड हु इज ट्राइंग टू स्वे ऑन बोथ द साइड्स इज अनिल कपूर
कपूर एंड सोनम कपूर, और ये लोग ऑब्वियसली उद्धव ठाकरे जी की बड़ाई कर रहे हैं, दिखाता है कि ऑब्वियसली उद्धव ठाकरे जी इज मेकिंग अ मेस आउट ऑफ होल कोरोना वायरस, एंड मुझे मुंबई के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। नमस्कार।